प्रचार में निकले हैं, चुनाव प्रचार में निकले हैं और यहाँ पर वो हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में यहाँ पर भारी तादाद में अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर यात्रा करके निकले हैं और लोगों को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। हम बात करते हैं विपिन बिहारी सिंह से और जानते हैं कि क्या माहौल लग रहा है। सर, आप लोग लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है भाजपा का इस बार? देखिए, पूरे देश में जिस तरह से भगवामय हुआ है, वहाँ पर सारे राम भक्त मोदी जी के समर्थन में उमड़ पड़े हैं। घर घर में झुग्गी वाले, झुपड़ी वाले, महल वाले, सोसाइटी वाले, सभी हमारे दुकानदार भाई सभी नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में बढ़ चढ़ करके आगे आ रहे हैं। हम भारी बहुमत से अपने प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा को यहाँ से विजयी बनाकर भेजेंगे। यहाँ के जनता को क्या अपील करना चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप लोग यहाँ पर जनता के बीच पहुँच रहे हैं? देखिए, जो केजरीवाल सरकार ने हमारे पूर्वांचल के वासियों के आस्था का महापर्व छठ महापर्व को जमुना में करने से रोक लगाया है, हम अपने हर्ष मल्होत्रा से आवेदन किया हूँ कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है, इसको जमुना मैया को हम सभी मिलकर के सफाई करेंगे और अपने आस्था के महापर्व को जमुना के घाटों पर मनाएंगे। यहाँ पर कुलदीप कुमार है, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, तो कितना चैलेंज है आप लोगों के लिए? देखिए, कोई चैलेंज नहीं है। कुलदीप कुमार और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त हुई पार्टी है। उनका मुखिया तिहाड़ जेल में है, उनके सभी नेता जेल में है, लगातार उनके नेता और मंत्री सत्ता छोड़ करके भाग रहे हैं, तो कुलदीप कुमार कहीं भी टक्कर में नहीं है। कुलदीप कुमार के यहाँ से जमानत जब्त होगी। तो यह है विपिन बिहारी सिंह, इनका कहना है कि इस बार जो लहर है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की है और यहाँ पर हर्ष मल्होत्रा की भारी मतों से जीत होगी। एसके सिन्हा के साथ मोनिफ खान, दिल्ली।